अभी हमारे पास कंप्लेन आया है सिमराही का। सिमराही लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है और वहां पर एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जिनका गेट जो है नहीं खुल पा रहा है, प्लस उनमें जो है कह रहे कि कपड़ा सही से नहीं धो पा रहा है, बीच में चलते चलते जो है रुक जाता है। तो वही चीज को चेक करने के लिए अभी हम सिमराही जाएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या दिक्कत है। तो बने रहिए हमारे साथ, जाकर देखते हैं कि क्या दिक्कत है उसमें। यही वो वॉशिंग मशीन है जिनका गेट नहीं खुल रहा है। देखिए गेट अभी हम खींच रहे हैं, ये नहीं खुल रहा है, फंसा हुआ है ये गेट जो है, फंसा हुआ है। फिर हम इनको कोशिश करेंगे खींचने का, अंदर बाहर करके फिर से खींचने का कोशिश करेंगे। ये हाँ अब खुल गया, थोड़ा सा झटका मारे फिर से ये खुल गया। फिर लगाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर लगाएंगे, फिर खोलेंगे। अब इनसे ये पता चल गया कि डोर लॉक का प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि ये जो है फ्री हो जाएगा, ऑयल डालेंगे या ग्रीस डालेंगे तो। लेकिन इनका पानी जो है बहुत बदबू मार रहा है, इतना बदबू कह दे रहा। तो अब इनके अंदर हम पावर डाल करके एक बार ऑन करके भी देखते हैं, चालू करके देखते हैं कि क्या स्थिति है इनका, क्योंकि बोल रहे हैं कि बीच बीच में रुक जाता है। तो ड्रम जो अब नच चुका है, ड्रम तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब फिर से ऑफ करेंगे इनको और एक बार हम इसको स्पिन, क्योंकि इसमें पानी जो बहुत दिन से ठहरा हुआ है, बदबू मार रहा है, तो स्पिन करके देखेंगे कि पानी निकल रहा है कि नहीं। तो स्पिन पे सेलेक्ट करके ये स्टार्ट वाला बटन जो है दाब दिए हैं। अब देखते हैं कि इनका पानी निकलता है कि नहीं, क्योंकि पानी बहुत बदबू मार रहा है इसका। तो अभी तक ये पानी जो है आउट नहीं किया है, पानी आउट नहीं कर रहा है अभी तक, मतलब प्रॉब्लम जो है समझ में आ रहा है, समझ गए हैं। ये पानी जो आउट नहीं करता है जिनके वजह से बीच बीच में ये रुक जाता है। तो इस वॉशिंग मशीन को जो इधर घुमा ले रहे हैं, ड्रेन होज में हो सकता है कुछ फंसा होगा, ये नीचे वाला जो है, यहाँ खोल कर देखते हैं हम। और यहाँ से भी डायरेक्ट पानी निकल जाता है, तो इनको खोल के देखते हैं इसमें हो सकता है कुछ फंसा होगा। तो इनके अंदर देखिए कितना सारा कचरा भरा हुआ था और एक पॉलीथीन, उसके साइड में एक पॉलीथीन पन्नी का टुकड़ा भी है जो उसके अंदर से निकला। और यही चीज जो है इसके ड्रेन होज को जाम किया हुआ था, जिनकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा था और मशीन जो बीच बीच में रुक जा रहा था, बीच में रुक जा रहा था कि चल ही नहीं पा रहा था। जब इसका पानी आउटलेट आउट होगा ही नहीं तो मशीन तो रुकेगा ही, बंद होगा ही। तो इनको जो हम अच्छे तरीके से क्लीन कर दिए हैं कि ड्रेन होज को, अब फिर से इनको हम बंद कर दे रहे हैं। बंद करके फिर इनको चला करके हम देखेंगे। तो पहले इनको हम बंद कर दे रहे हैं। अब फिर से इनको हम स्टार्ट करेंगे और पहले हम इनको क्विक 30 पे चलाएंगे ताकि इनके अंदर जो पानी भर जाए जल्दी, और फिर हम इनको स्पिन पे करके देखेंगे कि इनका पानी जो आउट हो रहा है कि नहीं। तो अभी चला दिए हैं, पानी ये ले रहा है। पानी जब ले लेगा तो देखेंगे जितना सफिशियंट होगा हमको चेक करने के लिए उतना, और उनके बाद हम स्पिन पे डाल करके उसको चलाएंगे। इसको पानी जो है लगभग उतना भर चुका है जितना हमें चेक हो जाएगा, तो फिर ऑफ कर देंगे इनको। फिर उनके बाद हम स्पिन पे सेलेक्ट करके और फिर से स्टार्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि ये आउट कर रहा है या नहीं। तो अब जो ये पानी आउट कर रहा है, आवाज़ जैसा कि आ रहा है हमको, देखिए निकाल के हम दिखा देते हैं। ये पानी देखिए आउट हो रहा है, ये कचरा फंसा हुआ था इनके वजह से ये पानी आउट नहीं कर रहा था और मशीन जो है प्रॉब्लम दे रहा था, अब ये पानी जो है आउट हो रहा है। आपने देखा कितना छोटा सा प्रॉब्लम था, इनको हर कोई अपने घर में ठीक कर सकता है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं होने की वजह से इनको हर कोई ठीक नहीं कर पाता है और टेक्नीशियन को बुलाया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के टेक्निकल नॉलेज के लिए। हम होम अप्लायंस से रिलेटेड हर तरह का वीडियो डालते रहते हैं, हो सकता है कोई ना कोई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके यहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप भी अपने से सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट कंप्लेंट पर। जय हिंद।